नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एग्जोटिक एस्ट्रोलॉजी पे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शनि महाराज का जो गोचर होने वाला है 24 जनवरी 2020 को। तो उस गोचर से, हमारे लगन से हमें क्या फल मिलेगा, और आप इसको चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और ये वीडियो मैंने अंग्रेजी में बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हिंदी में भी बनाओ, तो मैं भी थोड़ा हिंदी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया है जिसमें मैंने सब लिख दिया है कि किस लगन के लिए किस जगह पे शनि महाराज का कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस लगन में शनि महाराज किस घर के स्वामी है, किन किन दो घरों के, फिर गोचर कहाँ हो रहा है, और शनि महाराज की जो तीन दृष्टियां है वो कहाँ पड़ रही है। तो अभी आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये जो गोचर होगा ये हम लगन से देखें कि चंद्र राशि से देखें, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन इसका फल अलग अलग आता है। तो जो लगन संबंधित गोचर है, तो मान लीजिए आपका अगर वृश्चिक लगन है तो ये गोचर आपके लगन से तीसरे घर पे होगा, क्योंकि मकर राशि जो है तीसरे घर में आती है वृश्चिक के लिए। लेकिन मान लीजिए आपका अगर चंद्र राशि, जो कि जिसे हम राशि बोलते हैं, वो अगर आपका मान लीजिए कुंभ राशि है, एक्वेरियस, तो ये गोचर चंद्र से आपका 12वें घर में, द्वादश में होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो इसका क्या फर्क पड़ता है, जैसे लगन भौतिक चीजों का के बारे में बताता है, तो इसके वजह से आजकल की जो संस्कृति है कलयुग की, बहुत ज्यादा भौतिक होती जा रही है, कि हमें भौतिक स्तर पे चीजों चीजों का भोग करने का बहुत इच्छा होता है। तो इसी कारणवश मैंने देखा है कि जब हम गोचर का फल लगन से देखते हैं तो वो ज्यादा लाभदायी होता है, क्योंकि लगन से हम ये पता कर सकते हैं कि बाहरी स्तर पे हमारे पास जीवन में क्या आने वाला है और क्या चीजें जा सकती है और कैसी परिस्थितियां हो सकती है। और अगर आप चंद्र राशि से देखें, जिसको राशि बोलते हैं, तो वहां से भी हम देख सकते हैं, तो वो हमें ये बताएगा कि हमारे मन के संबंध में हम इसको कैसे देख रहे हैं, हमारा समाज इसको कैसे देख रहा है ना। तो मान लीजिए आपका लगन से कोई ग्रह 10वें घर में गोचर कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, मान सम्मान प्राप्त हो, या आपके व्यवसाय में वृद्धि हो, आपके नौकरी में आपको प्रमोशन मिले। लेकिन मान लीजिए वो आपके चंद्र राशि से 7वें घर में गोचर कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो मन हो वो ये मन करे कि आप, मैं शादी करूं, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, और आपके आज जो आपकी सोसाइटी, आपके समाज में जो लोग होंगे वो भी आपको ये बोलेंगे कि तुम्हें अभी शादी करना चाहिए, तुम अभी व्यवसाय या नौकरी के पीछे क्यों भागे हुए हो। तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं करना चाह रहा हूँ कुछ लेकिन हो कुछ और रहा है। तो ये होता है जब हम गोचर दोनों अलग स्थानों से देखते हैं। तो आपको जो चाहिए उसके अनुसार आप देखिए गोचर, आप लगन से देखिए तो बेहतर है। और अभी इस गोचर में हो क्या रहा है, तो शनि महाराज, जैसा हम जानते हैं, 2.5 साल 3 साल उसके आसपास का टाइम वो एक राशि में बिताते हैं। सबसे लंबा रहता है शनि का, ये किसी के सारे 9 ग्रहों में से सबका सबसे लंबा गोचर रहता है शनि महाराज का, और सबसे छोटा रहता है चंद्रमा का। तो शनि क्या है, शनि जो है वो वैराग्य का कारक है, वो अनुशासन का कारक है। शनि महाराज ये बताते हैं हमें कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो भगवान बोलते हैं गीता में, तो शनि महाराज इसको पूरा अच्छे से हमें हमारे लाइफ में इसको कैसे उपयोग किया जाए उसका ज्ञान शनि महाराज हमें देते हैं। कि कभी कभार आप देखेंगे कि हम जीवन में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन हम सब करने में असमर्थ होते हैं। तो शनि महाराज हमें ये सिखाते हैं कि हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि
गीता में कृष्ण ये भी कहते हैं कि दूसरे का कर्म ना करो, अपना कर्म करो और अपने कर्म को ठीक से करो। तो इसी कारणवश गुरु तो आपको पता ही है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है गुरु महाराज, गुरु हमें एक ऐसा भाव देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन शनि महाराज हमें ये बताते हैं कि बेटा तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम केवल एक चीज कर सकते हो, तो वही करो जो तुम कर सकते हो ठीक से, या तुम जो करना चाहते हो, कोई और कुछ कर रहा है इसके लिए वो मत करो ना। तो दूसरे का, दूसरे की जिंदगी मत देखो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, तुम ये देखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो शनि महाराज बताते। और अभी लगभग 30 साल बाद वो फिर से अपने स्वय राशि जो मकर राशि है वहां पे कुचर करने वाले हैं 24 जनवरी 2020 से। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है हम सबके लिए कि मकर राशि जो नैसर्गिक कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में जो दसवां घर है, दसवीं राशि मकर राशि, तो वहां के शनि महाराज स्वयं उसके स्वामी है। तो शनि महाराज अपने घर में आ रहे बहुत सालों बाद, कितने साल तो इसका लाभ हमें मिलेगा जरूर, लेकिन इसका लाभ हमें तब ज्यादा मिलेगा जब हम फल की चिंता ना करते हुए अपना कर्म करेंगे। तो अगर हम हमेशा यही सोचते रहते कि मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो करूंगा तो ये मिलेगा, तो ऐसे करेंगे तो ये गोचर का फल हम ठीक तरीके से नहीं उठा पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है इन 3 सालों में कि हम वो करें जो हमें करना चाहिए, और जो हमें करना चाहिए वो हम ठीक से करें भी, ऐसा नहीं कि हम लापरवाह हो जाए उसमें। और अभी मैं वो प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके लगन और राशि के अनुसार। और अंत में तो मैं हमेशा ही ये कहता हूँ सारे वीडियोस में कि हमारे जीवन में जो भी होता है ज्योतिष के माध्यम से हम देख सकते हैं, लेकिन वो गोचर के माध्यम से नहीं देखते, वो हम दशाओं के माध्यम से देखते। तो आपके जीवन में जो हो रहा है वो हो सकता है कि मैं अभी मान लीजिए आपका कोई लगन है और मैं उस लगन के लिए बताता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, तो आप लोग कई लोग सोचेंगे कि अरे ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं 3 सालों में, या 3 साल बाद आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो इसीलिए हुआ या नहीं हुआ क्योंकि आपकी दशाएं वो नहीं बता रही थी। तो आपकी दशाओं को देखिए और दशाओं का विश्लेषण अच्छे से कीजिए, क्योंकि हमारी जीवन में जो भी होता है वो दशाओं के अनुसार होता है। वो कहते हैं ना, जिसकी दशा अच्छी उसके लिए सब अच्छा। तो अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पैसा मिलेगा या कुछ भौतिक स्तर पे कुछ होगा, मतलब मेरा मतलब है कि उस घटना के लिए आपके ग्रह कैसे है। तो मान लीजिए आपको, आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान आए, संतान उत्पत्ति, तो जो चतुर्थ भाव है, चौथा घर है हमारा, तो चतुर्थ भाव जो है वो 12वां घर है पांचवे का। तो इसीलिए आप देखेंगे कि चतुर्थ घर के स्वामी का जब दशा आता है तो कभी कभार मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते भी है तो संतान उत्पत्ति काफी मुश्किल हो जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो पांचवा घर जो संतान का घर है उससे 12वां घर है। हाँ, भले ही चौथा घर जो है वो आपको जमीन जायदाद के संबंध में बहुत सारी चीजें दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक घर के लिए अच्छा है। तो इसीलिए मैंने जब कहा जिसकी दशा अच्छी उसके लिए सब अच्छा, तो इसका तो उसका ये खाली पैसा या धन दौलत से उसका लेना देना नहीं है। वो किसी भी घर के लिए हम देख सकते कि वो दशा उस घर के लिए अनुकूल है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैं, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे हिंदी के बाकी कुछ वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे से आप अपना कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे। ठीक है, तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ, स्क्रीन शेयर चालू हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरीस असेंडेंट। तो मेष लगन के लिए
शनि महाराज, यहाँ पे मैंने लिखा है ये नाम है राशियों का, 12 राशियों का। और लॉर्ड्स का अर्थ यह है कि किन घरों के स्वामी है, जैसे शनि महाराज आप जानते हैं 2 घरों के स्वामी है, और ये हो गया शनि महाराज किस घर में गोचर करने वाले हैं, ठीक है। और ये एस्पेक्ट्स मतलब शनि महाराज की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही। तो अभी हम देखते हैं कि मेष राशि जो है उसके लिए क्या होने वाला है। तो शनि महाराज 10वें घर के स्वामी है, 11वें घर के स्वामी है, और 10वें घर में ही गोचर करने वाले हैं, और 10वें से चौथे, 7वें और 12वें घर पे दृष्टि डालने वाले हैं। तो ये जो गोचर है शनि महाराज का मेष लगन के लिए, ये बहुत ही शुभ गोचर है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ अपने स्वय राशि में केंद्र में बैठेंगे, जिसको एक महापुरुष योगा के नाम से संबोधित किया जाता है, उसका नाम है शश महापुरुष योगा। तो शश महापुरुष योग जो है वो आदमी को बहुत कर्मठ बनाता है, वो उत्तरदायित्व तो लेना जानता है। और 10वां घर क्योंकि केंद्र का सबसे ताकतवर स्थान इसको माना जाता है, तो इसके लिए ये बराबर देखा गया है हमेशा कि जब भी शनि केंद्र में, जैसा 1, 4, 7, 10 में अपने स्वय राशि या मूल त्रिकोण या उच्च राशि में बैठते हो, तो ये बहुत ही अच्छे फल देता है। तो अभी 10वें घर में बैठा है, तो आपके नौकरी या व्यवसाय से संबंधित बड़ी चीजें हो सकती है। आपका जो ध्यान है अगले 3 सालों तक, हो सकता है कि आपके कर्म स्थान पे रहे, है ना। और कर्म जो है हम हमेशा करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि 10वां घर खाली पैसा या धन दौलत का है, ऐसा नहीं है। तो वो आपकी कुंडली में से हमें पता चलेगा कि आपका जो 10वां घर है वो किस तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए 3रा और 10वें घर का संबंध ज्यादा है, तो हो सकता है आप लिखने का काम करें, या आप किसी प्रकार के वक्ता हो। अगर 9वें और 10वें का संबंध बनता है, तो इसको तो धर्मा कर्माधिपति योग बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि धर्म और कर्म एक साथ हो गए, मतलब आप अपने कर्म स्थल पे बहुत सारा धार्मिक ज्ञान लेके आते हैं, और धर्म को भी धर्म को ही अपना कर्म मान लेते, तो ये बहुत शुभ होता है। और क्योंकि ये 11वें घर का भी स्वामी है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारे नए नए लोग आपको मिल सकते हैं। आपकी दशाएं जैसी है, उसी प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। मान लीजिए आपकी सूर्य चंद्र की दशा चल रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि सरकार से संबंधित लोग मिले आपको। और अगर आपकी दशा चल रही हो, जैसे मान लीजिए राहु केतु या शनि की, तो ऐसा हो सकता है कोई विदेशी मिले आपको, ना, जो आपको आपके व्यवसाय या आपके नौकरी में आपकी मदद करे। और अगर ऐसा हुआ कि आपका गुरु शुक्र या बुध की दशा चले, तो ऐसा हो सकता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके थ्रू आपको सहायता मिले। तो ये भी बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, ये सबसे उत्तम गोचर है मेरे अनुसार, क्योंकि ये 10वें घर में हो रहा है, और वहां से शनि महाराज 4थे, 7वें और 12वें घर पे दृष्टि डालते हैं। तो 4था घर तो हम जानते ही है, वो हमारे माँ का स्थान है, मातृभूमि का स्थान है। 7वां घर विवाह का स्थान है, और 12वां घर हमारे व्यय का स्थान है। तो अभी हमारे लिए अच्छा टाइम है कि हम ये देखें कि हमारे हमारा धन राशि जो है कहाँ उसका व्यय ज्यादा हो रहा है, और उसको कम करने का कोशिश करें। और 7वें घर में भी दृष्टि है, तो अभी 7वां घर जो है 11वें से लिंक्ड है यहाँ 10वें से, तो ये ज्यादा बिजनेस या व्यवसाय या नौकरी के साइड में ज्यादा जाएगा, शायद शादी या विवाह ऐसे साइड में ना जाए, क्योंकि अभी 10वें घर से दृष्टि डाल रहा है शनि महाराज। तो ऐसा हो सकता है कि आपके व्यवसाय को आगे लेके जाने के लिए बहुत से नए लोग आपको मिले ना। और 4था घर तो आप जानते ही है, वो हमारे सुख का स्थान है। तो काम कीजिए, लेकिन घर भी जाइए और आराम भी कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, और ये देखिए कि आप हमेशा अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। तो अभी चलते हैं टॉरस साइन पे। वृषभ राशि जो है, तो वृषभ राशि के लिए शनि महाराज 9वें 10वें का स्वामी है,
और नवे में गोचर कर रहा है, वहां से तीसरे छठे और ग्यारहवें घर को दृष्टि डाले हुए है। तो नवा और दसवा घर का स्वामी है शनि महाराज, तो इसके वजह से शनि महाराज जो है वो नवा, तो आप जानते हैं कि एक त्रिकोण है, दसवा केंद्र है, तो जब भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है तो वो योग कारक ग्रह हो जाता है। तो इस कारण वश वृषभ राशि के लिए शनि महाराज का गोचर हमेशा ही बहुत जरूरी होता है देखना। और अभी ये आपके धर्म स्थान में ही गोचर कर रहे हैं, और क्योंकि दशमेश होके ये नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये धर्म कर्माधिपति योग यहाँ बन रहा है। हालांकि वृषभ राशि, वृषभ लगन में शनि महाराज नवे दसवें के स्वामी है ही, तो वो धर्म कर्माधिपति योग होता ही है, लेकिन क्योंकि अभी ये गोचर भी हो रहा है नवे में, तो दसवें का नवे में गोचर हो रहा है, तो ये अत्यंत शुभ है, क्योंकि इससे हमें ये पता लग सकता है कि हमें जीवन में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नवम भाव जो है वो धर्म का स्थान है, धर्म बस जैसे हिंदू या मुस्लिम या ईसाई, उसी को धर्म नहीं बोलते। धर्म का ये भी अर्थ है कि मैं अपने आप को जानू, किसी भी धार्मिक प्राण से आप जुड़े हुए हो, लेकिन आप आत्मचिंतन करें ना, अपने आप को जाने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तो उस चीज की तरफ आप ध्यान दे। उसके उपरांत आपका नवा घर जो है गुरु गुरु का है, तो गुरु से आप ज्ञान लीजिए, गुरु से किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। कभी कभार आप देखेंगे कि आप अपने गुरु के पास जाते हैं और आपके गुरु कोई सुझाव नहीं देते आपको, लेकिन बस आप अपनी समस्याओं को बता देते हैं अपने गुरु को, तो ही वो आपको ऐसा लगता है कि मान लो मेरी समस्या हल हो गई। तो ये वो नवे घर का ये ताकत है कि ये सब कुछ सुलझा सकता है। तो अभी आपके जीवन में ये समय है कि आपके जीवन में आपको जो भी लगता है कि मेरे पास ये नहीं है या इस चीज की कमी है, तो उसके उसके संबंध में आप अपने गुरु से वार्तालाप करें। और नवा स्थान पिता का भी घर है, तो आप अपने पिता से भी संबंध अच्छे करें, अगर खराब है तो उसको बेहतर करें, और अच्छे है तो और अच्छे करें उसको। और वहां से नवा स्थान जो है वो उच्च शिक्षा का भी है, तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी जैसे डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरे देश में जाके ये करूं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपकी दशा बारहवें घर से या नौवें घर से संबंधित है तो। उसके बाद तीसरे घर में शनि महाराज की दृष्टि है, छठे में और ग्यारहवें में, तो तीसरा घर जो है आप जानते हैं वो गुरु उपदेश का है, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप गुरु का उपदेश अच्छे से सुनिए, और अगर कोई आपसे उपदेश मांगता है तो उसको भी उपदेश दे, लेकिन हाँ बिना मांगे उपदेश ना दे। और छठा घर जो आप जानते हैं कि वो हमारे दिनचर्या का होता है, हम रोज कौन कौन सी चीजें करते हैं ना, तो छठा घर जो अनुशासन का भी है, तो अभी ये समय है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लेके आए, और हमारे जीवन में जैसा गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि इंद्रियों पे संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी इंद्रिय अगर किसी दूसरे दिशा में चले जाए तो हमारा मन उसी दिशा में चला जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमें अपने जीवन में संयम रखना है बराबर। और इसके उपरांत ग्यारहवें घर पे भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो नौवे ग्यारहवें का संबंध है, तो इसके वजह से आप धार्मिक स्थलों में जा सकते हैं, आप उसके बाद वहां जाके आप गुरुओं से मिल सकते हैं ना, और सत्संग में जा सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुन सकते, जान सकते, तो आध्यात्मिक तरक्की और ज्ञान और प्रगति के लिए इसका इस्तेमाल आप करिए, ये तीन सालों को ऐसे व्यर्थ ना जाने दे। तो ये हो गया वृषभ राशि के लिए, वृषभ लगन के लिए। अभी हम आते हैं जैमिनी राशि, जैमिनी लग्न पे, मिथुन राशि, मिथुन लगन। तो मिथुन के लिए शनि महाराज आठवें नौवे के मालिक है, और आठवें में जा रहे हैं और वहां से दूसरे पांचवें दसवें में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आठवां नौवा का संबंध जब भी बनता है ये
तपस्या दिखाता है, ये आध्यात्मिक उन्नति दिखाता है और गुप्त ज्ञान की ओर एक आदमी अग्रसर हो जाता है ना, कि उसे गुप्त विद्या, जैसे ज्योतिष विद्या है, गुप्त विद्या है, जैसे गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, ये सब गुप्त विद्या है। तो ऐसी विद्याओं की ओर आपका रुझान बहुत बढ़ सकता है। और आठवां घर जो आप जानते हैं वो जैसे आपका विरासत में आपको जो चीजें मिलती है, आप अपने माता पिता से या दादा दादी पोता नाना नानी से, तो उनके हाथ से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है विरासत में। आप बिना कमाए हुआ धन भी आपको मिल सकता है, लॉटरी वगैरह, लेकिन सावधानी से खेलिएगा उसको। अगर आप चाहते भी है तो आपकी दशा अच्छी है तभी आपको प्रॉफिट होगा, वरना आप बिना दशा देखे यहाँ वहां इन्वेस्ट मत करिए, वरना आपको लॉस हो सकता है। और आठवां घर जो है वहां से दूसरे घर में भी दृष्टि है शनि महाराज की, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं कि हम जीवन में क्यों खुश नहीं है, तो हमें अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा परिवार से हमारे कैसे संबंध है। तो ये अच्छा टाइम है कि अगर हमारा परिवार से संबंध ठीक नहीं है तो परिवार वालों से हम अपना संबंध ठीक करें। फिर पांचवा घर जो है वो बच्चे का घर है, तो यदि आप संतान चाहते हैं तो अभी अच्छा समय है उसके लिए। उसके बाद जैसे आठवें और पांचवें का संबंध है, क्योंकि आठवें घर में हो रहा है ये गोचर, तो ऐसा हो सकता है आपको कोई मिले जो जिनसे आप प्रेम करना चालू करें। और क्योंकि ये पंचम नवम का भी संबंध बनता है, तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक चीजों में बहुत रुझान आ जाए। पांचवे नवे का जब भी संबंध बनता है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आठवां घर जो है ये अगर आप इसको अच्छे से इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा परिणाम देता है ना। इससे डरिए मत, आप बहुत सारी जगह देखेंगे, बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आठवें घर में गोचर हो रहा है इस राशि के लिए ना, बहुत ही अशुभ है, ये है वो है, तो वो गोचर से नहीं होता है शुभ अशुभ, वो आपकी दशाओं के अनुसार होता है। तो जो भी हो आपकी दशा है, अच्छी हो बुरी हो, शुभ हो अशुभ हो, वो तो आपका कर्म है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप ये जरूर निर्णय कर सकते कि मेरे पास जो भी आता है मेरे कर्म के अनुसार उसका मैं सदुपयोग कैसे करूँ ना। तो सदुपयोग करिए अपने कर्म का, अच्छा है तो और बेहतर करिए, बुरा है तो उसको ठीक करिए। अपने आप को कोसिए मत, भगवान को मत कोसिए या दूसरे लोगों को ना कोसिए ना, किसी को मत कोसिए। जो हो गया होने दो, वो हो गया और आगे जो होगा उसको देखिए आप, क्योंकि आप अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते, आप अपने भविष्य को ही बेहतर कर सकते। तो अतीत में ज्यादा समय ना बिताए और अकेले ना रहे, लोगों के साथ रहिए और अच्छे कर्म कीजिए, और उससे आपका जो भविष्य और अच्छा होगा आगे, अच्छे लोगों से मिलिए। और दसवें घर पे दृष्टि है शनि महाराज का, तो इसके वजह से भी दसवां घर जो मैंने देखा है ना, छठे घर से काफी तालमेल होता है दसवें छठे का, तो दसवां घर भी हमें अनुशासन देता है बहुत ज्यादा। तो अभी कोई कोई चीजें होगी हमारे जीवन में जो हम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए हमें, जैसे मांस नहीं खाना चाहिए या शराब मदिरा ये सब का पान ठीक नहीं है हमारे भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो अगर हम ऐसे कोई भी डिप्रेशन या एडिक्शन के शिकार है तो उन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, और इस समय हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें और इसी के थ्रू हम हमारे जो खामियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, जैसे हमारे अंदर के जो रोग है उसको हम मिटाने का कोशिश करें। ठीक है, अभी आते हैं कैंसर लगन, कैंसर राशि पे कर्क राशि, कर्क लगन। तो कर्क के लिए शनि महाराज जो है सातवें और आठवें के स्वामी हो जाते हैं, और सातवें घर में ही गोचर है और लगन पे दृष्टि है शनि महाराज की, और चौथे घर पे दृष्टि है और नवम भाव पे भी दृष्टि है। तो कर्क राशि के लिए जो गोचर है शनि महाराज चौथे सातवें और आठवें का मालिक है, तो सातवां घर तो आपको पता ही है,
वो विवाह का स्थान है, आठवां घर जो है वो हमारा ससुराल है, और बाकी सारे लोगों का के की जो धन संपत्ति है वो भी बताता है, क्योंकि वो सातवें का दूसरा है, दूसरा घर हमें पता है कि हमारे स्वयं के धन राशि का है, हमारे स्वयं के परिवार। तो सातवें से दूसरा मतलब आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके उसका धन, उसका संचित धन, उसका परिवार। तो इसीलिए अभी ये टाइम अच्छा है कि हम दूसरों से मिलजुल करके रहे, दूसरों से हम कोई काम जैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। अगर हम अकेले कर रहे थे तो अभी ये अच्छा टाइम है कि हम अकेले ना करें, हम दूसरों के साथ मिलके करें कुछ चीजें, क्योंकि दूसरों के साथ जब हम मिलके करेंगे तो इसका जो प्रभाव होता है बहुत बहुत अधिक इसका प्रभाव होता है। तो ये ऐसा समय है कि आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे पास धन राशि है पर्याप्त, लेकिन मैं किसी और से भी धन ले सकता हूँ, और लोन लेके या अपने रिश्तेदारों से आप धन लेके कोई और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं ना। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अगर आपकी दशा है दूसरे सातवें या ग्यारहवें घर की चल रही है इन तीनों घरों की, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जीवन साथी भी मिले और आपकी आपका विवाह संपन्न हो जाए, आपकी शादी हो जाए, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद शनि महाराज लगन पे दृष्टि डाले हुए है, तो लगन पे दृष्टि जब भी शनि की पड़ती है तो बहुत ही बहुत जरूरी होता है कि हम अपने जीवन में से वो चीजों को हटा ले जो चीजें हमें जिन चीजों से हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसे कोई व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें आपको कोई रुझान नहीं है, या ऐसी नौकरी आप कर रहे हैं जिसमें सुबह ओके ही आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, आप बस इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो आपको ना थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, तो अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो वैसी चीजों का आप मत करिए जो आप नहीं करना चाहते ना, कुछ अपना शुरू करिए, या ऐसी कोई नौकरी करिए जो आपको पसंद है, या कोई पढ़ाई करिए, या कोई भी ऐसा चीज जिससे आपको जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, आप एक इंसान के तौर पे और खुश रहे, तो वो बहुत जरूरी है। जब लगन पे शनि का गोचर या दृष्टि पड़ता है तो गोचर के समय। और चौथा घर जो है, चौथा घर भी बहुत एक केंद्र स्थान है, वो बहुत जरूरी हमारे लिए देखना है। और क्योंकि ये शनि का जो गोचर है वो केंद्र में हो रहा है स्वय राशि में, तो कर्क राशि कर्क लग्न के लिए भी जो महापुरुष योग है, सशा महापुरुष योग, वो लागू होता है आपके लिए। तो वहां से शनि महाराज चौथे घर में दृष्टि डाल रहे, तो अभी अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आपके घर बार या वाहन संबंधित कोई भी समस्या आपको हो रही है तो ये बहुत बढ़िया टाइम है उसको सुलझाने का। और अगर आप कोई नया घर लेने का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आप, फिर लोन लेके करने का सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या आप नया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर शुक्र की दशा है तो आप वाहन लेने का हो सकता है आपका चांस, और अगर शनि मंगल की दशा है या उनसे ग्रह युति में है जिनकी दशाएं है तो ऐसा हो सकता है आप नया घर ले ले। और नवे घर पे भी शनि महाराज का दृष्टि है, तो नवा घर जैसे हम जानते हैं ना धर्म का है, अध्यात्म का है, तो सातवें आठवें नवे का जो भी संबंध बनता है, मैंने देखा है कि आपको आपके जीवन साथी के साथ मिलके ना धार्मिक या आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन करना चाहिए ना, पठन करना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आपको अग्रसर होना चाहिए आपके जीवन साथी के साथ। ठीक है, अभी आते हैं सिंह लियो, लियो लगन लियो राशि पे। तो आपका जो शनि महाराज का गोचर है वो हो रहा है छठे में, और शनि महाराज स्वामी है छठे और सातवें घर का, और गोचर से दृष्टि शनि महाराज डालेंगे बारहवें तीसरे और आठवें घर में। तो शनि महाराज छठे घर में जा रहे हैं सातवें और छठे का स्वामी होके, तो छठा घर जो है वो हमारे स्वास्थ्य का है,
वो हमारे व्यवसाय का है, हमारे दिनचर्या का है, हमारे हैबिट्स, हमारे अभ्यास जो हम करते हैं ना, सुबह से उठ के हम जो करते हैं, वो सारा चीज छठे घर में आता है, जो हमें रोज रोज करना पड़ता है, हम चाहे या ना चाहे, उसको छठा घर बोलते हैं। तो छठा घर में जब शनि महाराज जैसे ग्रह का गोचर होता है, तो हम हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधित कोई भी ऐसा चीज ना खाएं जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अनुशासन के पथ पे चले, मतलब कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम ऑफिस जाते टाइम लेट तो नहीं होते, या हमारा दुकान है तो हम उसको खोलते टाइम उसको हम आलस तो नहीं होता है हमें, किसी भी चीज में हो सकता है, वो व्यवसाय के केस में नहीं या नौकरी के केस में नहीं, किसी भी चीज में। मान लीजिए आपका किसी के साथ, जैसे आपके पति या पत्नी है, उनको आपने कोई समय दिया है और आप समय पे नहीं जाते, क्या ये आपका रवैया ऐसा ही है, तो उसको ठीक करिए। या आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते ठीक से ना, तो उनको टाइम दीजिए, या माता पिता को टाइम दीजिए ठीक से। उसके बाद सातवें घर से भी संबंध है शनि महाराज का, क्योंकि सातवें घर का स्वामी है शनि महाराज, तो सातवें का स्वामी छठे में आ रहा है। तो ऐसे समय में मैंने देखा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ जो लोग रहते थे आजकल मेरा विरोध करने लगे, तो ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आप हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको पसंद नहीं है। तो हमेशा जब भी कोई हमारा विरोध करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, या उसका ये मतलब भी नहीं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। तो हमें बस ये देखना है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है ना। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब दूसरों को मिलते हैं तो हम पूछते ही नहीं है दूसरे किसी के बारे में, हम बस अपने ही बातें करते हैं या अपनी महानता का बखान करते रहते हैं अपने ही मुख से, जिसको शास्त्रों में मृत्यु तुल्य बताया गया है। तो इसके वजह से हम कभी कभार लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम दूसरों से मिले तो उनके बारे में पूछे ना, उनके जीवन में क्या चल रहा है, बस हम अपने बारे में ही ना बोलते रहे। और इसके अलावा 12वें घर में शनि महाराज की दृष्टि है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किन चीजों के वजह से हमारा व्यय ज्यादा हो रहा है ना, क्या हम जो चीजें हमें नहीं करना चाहिए वैसी चीजें हम कर रहे हैं ना, जैसा शराब या मांस खाना, ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। तो अगर एलोपैथी से काम नहीं होता है तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए या होम्योपैथी का सहारा लीजिए, थोड़ा योग व्यायाम ऐसी चीजें करने लगिए, तो उससे आपका शरीर और आपका मन संतुलित रहेगा, ठीक रहेगा। और तीसरे घर में भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो तीसरा घर तो आप जानते ही, लिखने का घर है, फिर आपके छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो उनसे संबंध अच्छे रखिए, उनसे भी पूछिए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है ना। और आठवें घर में शनि महाराज का दृष्टि है, तो आठवां घर जो है गुप्त भाव है, आप जानते हैं, तो सातवें छठे और आठवें का संबंध है। तो ऐसा हो सकता है कि हम हमारे व्यवसाय में नए नए लोग हमको मिले, कि उनका पैसे से भी हम कुछ अपने जीवन में और तरक्की कर सकते हैं ना, क्योंकि आठवां घर दूसरों का पैसा होता है, सातवें से दूसरा घर है वो। तो इसीलिए अगर अब हम सोचते हैं कि व्यवसाय या नौकरी में कोई ऐसा चीज हम मिल के करेंगे दूसरों के साथ जिससे हमें फायदा हो, तो वैसा हम कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वर्गो लग्न पे, वर्गो राशि पे, कन्या राशि कन्या लग्न। तो कन्या राशि कन्या लग्न, शनि महाराज पांचवे का स्वामी है और छठे का भी, और गोचर कर रहा है पांचवे स्थान में, और वहां से दृष्टि डाले हुए है 11वें दूसरे और सातवें को। तो अभी पांचवे घर का स्वामी पांचवे ही घर में आ रहा है। तो अगर आप शादीशुदा है और आप संतान उत्पत्ति के लिए इच्छुक है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप प्रयत्न करें संतान की उत्पत्ति के लिए। और
अगर आप ऑलरेडी आपके पास संतान है तो जो आपके संतानें हैं उनसे आप अपना संबंध बेहतर करिए, उनसे बातें करिए, उनके साथ समय बिताइए। खाली ऑफिस में ही ना बैठे रहिए, घर भी आइए, इनसे भी मिलिए, क्योंकि ये भी बड़े हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद आपको इनका बचपन नहीं दिखेगा। या अगर वो ऑलरेडी बड़े हो गए तो भी उनसे संबंध अच्छे से बनाए रखिए। और पांचवा घर जो है वो जो क्रिएटिविटी है हमारा, जो चीजें हम करके हमें बहुत खुशी मिलती है ना, जैसे गाना गाना या नाचना या कोई भी सितार या ना मृदंगम या ढोल या करताल, ये सब बजाना, या फिर कोई भी ऐसा चित्र बनाना ना, तो वैसी चीजें हम अगर करने के इच्छुक है तो वैसी चीजें हम कर कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छा है उसके लिए। तो उसके बाद 11वें घर में दृष्टि है शनि महाराज का, तो 11वां घर जब पांचवे से संबंध बनाता है तो ये हमेशा ही देखने को मिलता है कि आदमी का जो बुद्धि है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसका अर्थ ये भी है कि अभी हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसके वजह से हमें आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान ज्यादा प्राप्त हो, तो उससे हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, हम कब क्या करें वो हमें पता रहेगा। और दूसरे सातवें को भी दृष्टि डाल रहे हैं शनि महाराज। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम है। अगर आपकी दशा है दूसरे सातवें 11वें घरों को दशा रही है तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आपको शादी करने के लिए कोई मिल जाए, जीवन साथी मिले। और ये व्यवसाय में भी बहुत अच्छा फल देता है अगर हम व्यवसाय में हैं ऑलरेडी, क्योंकि सातवां घर जो व्यवसाय का है तो छठा घर का संबंध है इसमें, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है शनि महाराज। तो छठे और 11वें और दूसरे घर का जब भी संबंध बनता है सातवें घर के साथ भी, तो ये बताता है कि हम व्यवसाय वगैरह में बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो अगर आपकी दशाएं अच्छी है, जैसे 10वें या 11वें घर की दशाएं आपकी चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको नए नए व्यवसाय करने का मौका मिले। अगर बुध की दशा चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब एक से अधिक तरीके से आपके पास धनराशि आ सकती है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कोई ऑफर आए कि आर्टिकल्स लिखे वेबसाइट पे, या ऐसी कोई चीज आप करें जिससे आपको बेनिफिट होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। या अगर आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये बहुत बढ़िया है ना। और अगर आपकी दशाएं 8वें या 12वें घर से संबंध बना रही है और 5वें से भी संबंधित है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी से प्रेम हो जाए और बाद में आप, क्योंकि 7वां घर भी इसमें जुड़ रहा है, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको उस इंसान से विवाह करने की इच्छा हो। और अगर आपकी दशा है दूसरे सातवें 11वें को दर्शा रही, जैसा मैंने बोला, तो ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह भी हो जाए ना ये 2-3 सालों में। तो ये जो टाइम है कन्या राशि कन्या लग्न के लिए, ये ऐसा टाइम है कि आपको जो पसंद है लाइफ में वो आप कीजिए। आपको वीडियो बनाना पसंद है, देखना पसंद है तो देखिए बनाइए, लिखना पसंद है तो लिखिए, बोलना पसंद है तो बोलिए, क्योंकि 5वां घर हमारे पूर्व जन्म पुण्य का घर है। तो जो भी चीजें हम जो जिन चीजों से हमें ना ये लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई, वो 5वां घर से हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला लगन, तुला का ये जो गोचर हो रहा है, ये हो रहा है आपके चौथे घर में, और शनि महाराज आपके चौथे और पांचवें घर के स्वामी हैं, और वहां से शनि महाराज दृष्टि डाले हुए हैं 10वें घर में आपके लगन पे और आपके छठे घर में। तो क्योंकि शनि आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी है, चौथा और पांचवें का, तो इसी कारण वह शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं, और योग कारक
अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर कर रहा है, तो इसी कारणवश आपको शश महापुरुष योग, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है, उसकी प्राप्ति आपको होगी आने वाले 3 सालों तक। तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा अगर आप इसको अच्छे से इसका प्रयोग करें। तो चौथा घर जो है, पांचवा घर जो है, जब भी चौथा घर पांचवे या नवे से संबंध बनाता है तो वो ज्ञान को दर्शाता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, भौतिक आध्यात्मिक। तो क्योंकि ये दसवें घर को भी दृष्टि डाल रहा है शनि महाराज यहाँ से, तो इसलिए मैं ये जरूर कह सकूंगा कि अभी आपको ऐसी चीजें सीखनी पड़ सकती है जो आपके नौकरी या व्यवसाय में आपको बहुत लाभ दे। तो आजकल तो आप जानते ही है, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जिसपे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसा udemy.com हो गया, फिर coursera.com हो गया, .org, उसके बाद जैसे Udacity हो गया, फिर खान अकेडमी, बहुत सारे वेबसाइट्स है जिनपे आप जाके अलग अलग तरीके की चीजें सीख सकते हैं। और इसके अलावा आप उन चीजों को सीख के अपने व्यवसाय या आपकी नौकरी में उनका उपयोग करिए, जिसको अंग्रेजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलते हैं जिसको, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिर चौथा घर से छठे घर को भी दृष्टि डाला हुआ है शनि महाराज ने, तो छठा घर जो है आप जानते ही है हमारे स्वास्थ्य का है, बीमारियों का है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आपको नई नई चीजें जानने की इच्छुकता आप में बढ़ जाए कि मेरा स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जाए। तो ऐसी चीजें आप जाने तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो अगर आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं और वो काम नहीं करता है, तो आप होम्योपैथी या आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा शनि महाराज पांचवे घर के भी स्वामी है, तो पांचवा का जब दसवें से संबंध बनता है और लगन से भी संबंध बन रहा है, क्योंकि शनि महाराज लगन को भी दृष्टि डाले हुए, तो ये दर्शाता है कि आपकी दशा अगर दसवें या ग्यारहवें घर को दर्शा रही है, जो कि तुला लगन के केस में सूर्य और चंद्र है, सूर्य चंद्र की दशा अगर आपकी चल रही है, तो ये जरूर देखा गया कि ऐसे गोचर के समय आपको उच्च पद प्रतिष्ठा ऐसी चीजें प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान, आपके व्यवसाय में वृद्धि हो सकता है, आपके नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप जैसा चौथा घर आप जानते ही है कि वो संपत्ति, घर वाहन से संबंधित है, तो अगर आपकी शनि या मंगल की दशा चल रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप नया प्रॉपर्टी खरीदे, कहीं नया घर ले अपना घर। और अगर शुक्र महाराज की दशा चल रही हो आपकी, जो कि आपका लग्नेश है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वाहन लेने की इच्छुकता आप में बहुत बढ़ जाए। और अगर बुध शुक्र साथ में है, तो वो कमर्शियल व्हीकल होगा, मतलब व्यवसाय के लिए ही उसका प्रयोग होगा, आपके निजी कामों के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए नहीं होगा वो। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट है, आप विद्यार्थी है, आप मास्टर्स करना चाहते हैं ना, फिर डॉक्टरेट करना चाहते हैं, या बैचलर डिग्री भी करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि चौथे और पांचवे का संबंध बन रहा है। और आप क्योंकि पांचवा घर जो है मंत्र भाव होता है, तो आप मंत्र वगैरह की सिद्धि भी कर सकते हैं, गुरु से दीक्षा भी ले सकते हैं। तो ये महापुरुष योग आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसका अच्छे से उपयोग करिए, ज्ञान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कहीं से भी ज्ञान लीजिए, छोटा हो, बड़ा हो या मध्यम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ज्ञान से मतलब है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही आपको बहुत ज्यादा ज्ञानवान बना सकता है अगर आप इसका अच्छे से उपयोग करें। धन्यवाद। तो अभी आते हैं स्कॉर्पियो पे, स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक के लिए शनि महाराज तीसरे और चौथे घर का स्वामी है और तीसरे घर में ही गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा नौवे और बारहवें घर को दृष्टि डाले हुए है शनि महाराज, और पांचवे घर को भी दृष्टि डाले हुए है। तो
जैसे आपको पता है कि तीसरा घर जो है वो उपच्य स्थान है, दुस्थान भी है लेकिन उपच्य स्थान भी है, पूर्ण तरीके से दुस्थान नहीं है, पूर्ण तरीके से छठा आठवां बारहवां दुस्थान है, लेकिन तीसरे घर को भी त्रिशदाय भाव माना जाता है। तो शनि जैसे ग्रह का जब भी तीसरे घर में या मंगल का तीसरे घर में गोचर होता है तो अत्यंत शुभ माना जाता है, या राहु का भी, क्योंकि ये जो तीसरा घर है ना, ये पराक्रम का भाव है। तो ये शनि महाराज आपको बहुत शक्ति देंगे कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको करने से आप हिचकिचाते थे हमेशा, या आप मुंह फेरते थे कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, शायद मैं ये ठीक से नहीं कर सकता हूं, तो ऐसी चीजों को आप अभी बढ़िया से करेंगे और आपको करना चाहिए भी। और ये जरूर ध्यान रखिए कि मेहनत जब आप करेंगे तो फल की आप ज्यादा चिंता ना करें, फल जो आपके कर्मा में है वो ऐसे भी आ ही जाएगा। तो निष्काम भाव से इसको करिए और पूरा जी जान से करिए जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में। और चौथे घर का संबंध तीसरे घर से बन रहा है, तो चौथा घर जो है ज्ञान का है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, भौतिक आध्यात्मिक। तो तीसरा घर गुरु उपदेश का भी है, तो इसी कारणवश हमें ये भी देखना चाहिए कि हम गुरु का उपदेश अच्छे से ले रहे हैं। और अगर अभी हम किसी दुविधा में, मान लीजिए हम हमारे नौकरी या व्यवसाय में हमें कोई दुविधा हो रही है, तो हमें एक शिक्षक के पास जाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में मेंटोर कहा जाता है ना, तो एक मेंटोर के पास जाइए, वो आपका गुरु हो सकता है या कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका आपके पिता हो सकता है, आपके बड़े पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी माँ, आपकी मौसी, कोई भी हो सकती है। तो उनके पास जाके आप उनसे सलाह मशवरा करिए कि इस पथ पे मुझे कैसे आगे जाना है, क्योंकि तीसरा घर गुरु उपदेश का है, तो गुरु का उपदेश लेना पड़ सकता है आपको। उसके बाद तीसरा घर जो है छोटे भाई बहनों का भी है, तो छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर करिए आप, अगर खराब है तो उसको ठीक करिए और अगर अच्छे है तो और बेहतर करिए उसको। और इसके अलावा नौवे बारहवें और पांचवें घर पे दृष्टि है शनि महाराज का। तो नौवा घर क्या है, नौवा घर लंबी दूरी यात्रा का है, बारहवा घर भी है, तो तीसरे चौथे और नौवे और बारहवें का संबंध बन रहा है आपके कुंडली में। तो इसके वजह से आप, हो सकता है आप किसी दूसरी बहुत लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए या कोई नई डिग्री करने के लिए, और ऐसा हो सकता है आपको विदेश भी जाना पड़े किसी कोई मास्टर्स या पीएचडी या नौकरी के सिलसिले में भी जाना पड़ सकता है आपको। और इसके अलावा आपका जो पांचवा घर है वो भी दर्शा रहा है, शनि महाराज की दृष्टि है पांचवे घर पे, तो पांचवा घर जो है वो पूर्व पुण्य स्थान है, तो पांचवे घर पे शनि महाराज का दृष्टि है, तो इसके वजह से आपके अंदर जो जो कलाएं हैं वो उभर उभर के बाहर आ सकती है। तो अगर आप में कोई ऐसी कला है, जैसा ना आपको चित्र बनाना पसंद है या गाना पसंद है या नाचना पसंद है, या आपको ना आपको लिखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसी चीजें, या खाना बनाना पसंद है आपको, या कुछ लोगों को फोटोग्राफी का भी शौक होता है, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं कि आपको अंदर से जो चीजें खुशी देती है वैसी चीजें आप करिए, ज्यादा मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा होने दीजिए, ठीक है। तो ये गोचर भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है अगर आप इसका सदुपयोग करें अच्छे से। और इसके अलावा मैं एक चीज बोलना भूल गया कि तीसरा घर छोटी यात्राओं का भी है, तो ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई या ज्ञान के सिलसिले में या धर्म या अध्यात्म के सिलसिले में आपको यहाँ से वहां आते जाते रहना पड़े, छोटी छोटी यात्रा आपको करती रहनी पड़े। उसके बाद आते हैं धनु राशि पे, सेजिटेरियस, धनु लगन सेजिटेरियस राशि, धनु राशि, इसके लिए आपका शनि महाराज दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं और गोचर हो रहा है दूसरे घर में, और शनि महाराज दृष्टि डाले हुए हैं आठवें ग्यारहवें और चौथे घर को।
तो धनु राशि तो आपको पता ही है, गुरु की, गुरु का नैसर्गिक वो मूल त्रिकोण राशि है। केतु महाराज भी अभी विराजमान है वहां पे ना, आपके लगन पे। तो शनि महाराज वहां से दूसरे घर में जा रहा है। तो दूसरा घर क्या होता है? दूसरा घर जो होता है आपके घर वालों का होता है, आपका जो कुटुंब है, कुटुंब स्थान है वो, घर है वो। कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप, जिससे मिलके आपको लगता है ये तो मेरा घर का सदस्य जैसा है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। तो अभी ये संचित धन का भी घर है, तो इसी इसीलिए ये आवश्यक है कि आप अपना जो संचित धन है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करिए अच्छे से ना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है बैंक में, तो उसको बैंक में ऐसे ही मत गिरा के रखिए, क्योंकि बैंक में पैसा डाल के रखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। उसको किसी म्यूचुअल फंड वगैरह या कहीं पे इन्वेस्ट करिए, और उसको आप अच्छे से उसको विभाजित कीजिए कि मुझे इतना पैसा मैं रिटायरमेंट के लिए रखूंगा, तो उसको थोड़ा ज्यादा रिस्क में इक्विटी में डाल सकते हैं आप, और कुछ पैसा मैं जैसे वो लिक्विड फंड होता है उसको डाल सकते हैं, जिसमें आप 24 घंटे में उसको विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी ना निकाल सकते हैं, अकस्मात आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो। तो ऐसी चीजें आप, कोई भी आदमी जिसको इन्वेस्टमेंट वगैरह का नॉलेज है, ज्ञान है, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। और तीसरा घर जुड़ रहा है इसमें, तो इसके वजह से आप अपने घर वालों के साथ छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, कोई वेकेशन पे जा सकते हैं ना, या इधर उधर कोई हिल स्टेशन है तो वहां पर भी जा सकते हैं, कुल्लू मनाली जाइए, मुसौरी जाइए। उसके अलावा आठवें घर पे दृष्टि है, तो दूसरे से आठवें घर में दृष्टि तो हो ही जाता है। तो आठवां घर जो है दूसरे लोगों का धन स्थान है, क्योंकि सातवें से दूसरा है वो। तो इसके वजह से आठवां घर, जब भी शनि महाराज की दृष्टि आठवें पे पड़ती है, तो नए नए रास्ते खुलते हैं कि आप दूसरों के साथ मिलके कोई चीजें, नई नई चीजें करें। तो अगर आप व्यवसाय में है तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप करें दूसरों के साथ ना, जिसमें दूसरे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, आपका कम हो। और ऐसा भी हो सकता है कि, क्योंकि 11वें घर का संबंध है दूसरे और तीसरे से, तो लिखने और बोलने से भी आपको पैसा मिल सकता है। अगर आप YouTube चैनल खोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, या Instagram या Facebook में कोई पेज खोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ये। और क्योंकि दूसरे 11वें का संबंध है, तो आपकी धन राशि में जो जो आपका कमाई है उसमें भी बढ़ोतरी होने का अवसर मिल सकता है आपको, आपकी आपकी व्यवसाय और अच्छी हो सकती है, और नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो ऐसी चीजें हो सकती है आपके साथ। और चौथे घर पे भी दृष्टि है शनि महाराज का, दूसरे घर से। तो चौथा घर तो आपको पता ही है क्या है, वो आपके माँ का स्थान है। फिर हाँ, आपके जो जमीन जायदाद, वाहन संपत्ति, ये सबका घर है। तो अभी अगर आप अपने घर वालों के साथ कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो अच्छा टाइम है, वो भी आप खरीद सकते हैं। और यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो ये आपके कुटुंब स्थान में दूसरे घर में हो रहा है, संचित धन के घर में। और अगर आप शादीशुदा नहीं है और आप शादी करना चाहते हैं, तो दूसरा घर विवाह का भी योग बताता है। तो अगर आपकी दशाएं चल रही है शुक्र की या बुध की, ये शुक्र नैसर्गिक कारक है विवाह का, और बुध आपके कुंडली में सातवें घर का स्वामी है, और शुक्र भी 11वें घर का आपका स्वामी है, तो इन दोनों की अगर दशा चल पड़े या गुरु की भी दशा चल पड़े, तो क्योंकि गुरु दूसरे घर का, सॉरी शनि का अगर दशा चल पड़े ना, तो इन तीनों ग्रहों की अगर दशा आपकी चल रही हो, आपका उम्र विवाह के लायक है, तो आप विवाह कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो ये हो गया धनु लगन और धनु राशि के लिए। तो अभी आते हैं हम मकर लगन, मकर राशि पे, जहाँ पे शनि महाराज का गोचर हो रहा है। कैप्रिकॉर्न लग्न, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून साइन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आपका लग्नेश है शनि महाराज, और दूसरे घर का स्वामी है, और आपके लगन में ही विराजमान हो रहे हैं,
और इसके अलावा सातवें, दसवें और तीसरे घर पे शनि महाराज की दृष्टि है। तो ये आपका लग्नेश लगन में वापस आ रहा है 30 सालों बाद, 30 सालों के उपरांत ये हो रहा है आपके जीवन में। तो ये जो गोचर है ये अत्यंत सुफलदायी होगा आपके लिए, क्योंकि शनि महाराज स्वयं राशि में केंद्र में विराजमान होंगे आपके लिए, जिसको शश महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है, जो कि पांच महापुरुष योगों में से एक है, उन पांच सर्वोच्च योगों में से एक। और ये गोचर आपके लगन में ही हो रहा है, तो लग्नेश लगन पे वापस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए, ऐसा सोचिए कि आप पूरी दुनिया घूम के आए और वापस आप अपने घर आते, तो कैसा लगता है आपको? तो ऐसा ही कुछ सोच लीजिए कि आपने सब कुछ देख लिया जीवन में, कि आप व्यवसाय में कैसे हैं, आप नौकरी में कैसे हैं, आपका विवाह कैसा है, आपके बच्चों के साथ कैसा है, आप लिखने में कैसे हैं, आप गाने में कैसे हैं, आप नाचने में कैसे हैं, आपको क्या चीजें पसंद है जीवन में, तो सारी चीजें आप देख चुके हैं, सारी चीजों का अनुभव है आपके पास। तो अभी आपके पास सबसे बढ़िया टाइम है कि आने वाले 3 सालों तक आप वो करें जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिसको करके आपको बहुत सारी धनराशि मिल सकती है, बट मेरा मतलब है कि जो भी चीज आपको करके आपको सुख मिलता है ना, वो उसके तरफ इशारा कर रहा था मैं। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि दूसरे घर का स्वामी है शनि महाराज ना, तो इसीलिए दूसरा घर जो है वो आपके कुटुंब का स्थान है, ठीक है? तो दूसरा घर का स्वामी लग्न पे वापस आ रहा है, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने अपना जो धनराशि है उसको, उसकी बढ़ोतरी कैसे हो उसकी चिंता आप करें, घर वालों की चिंता आप ज्यादा करें। और सातवें घर पे दृष्टि है, तो अगर आप विवाह करना चाहते तो ये अच्छा योग बनता है आपके लिए। उसके बाद दसवें घर में दृष्टि है शनि महाराज का, तो ये सबसे उत्तम टाइम है आपके। अगर दशाएं दसवें या ग्यारहवें घर को दर्शा रही है, तो सबसे बढ़िया टाइम है कि आप कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई करें, या कोई अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको और ज्यादा फैलाने का प्रयत्न करें आप, और आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। और इसके अलावा तीसरे घर में भी दृष्टि है शनि महाराज की लगन से, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है, और जब लगन से जुड़ जाए, दसवें से जुड़ जाए, तो अत्यंत शुभ होता है। तो अभी वो टाइम है, आप जो भी चीजें करना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी चीजें आप नहीं कर पाए थे पहले, वो अभी टाइम है कि उसको आप अभी करिए, क्योंकि इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। लग्नेश लग्न पे वापस आ रहा है आपका, ये बहुत बड़ी चीज होती है, कितने सालों बाद होता है ये आपके लिए, 30 साल बाद, क्योंकि शनि महाराज को 30 30 साल के आसपास लगता है पूरा सारे 12 राशि घूम के आने के लिए। तो इसका सदुपयोग कीजिए अच्छे से, इसको समय को ऐसे व्यर्थ ना जाने दीजिए, ठीक है? और इसके उपरांत हम जाते हैं एक्वेरियस पे, जो कि कुंभ राशि, कुंभ लगन। तो इनके लिए शनि महाराज जो है 12वें घर का स्वामी है, और लगन के भी स्वामी है, और 12वें घर में ही गोचर हो रहा है, और छठे, नवे और दूसरे घर पे शनि महाराज की दृष्टि है। तो कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए 12वां घर जो वह स्थान है, और लगन जो है हमारा स्वयं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं अपने लग्नेश है ना, वो स्वयं हम ही है लग्नेश। हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा नहीं लगता है, हम किसको पसंद करते हैं, हम किसको पसंद नहीं करते, वो सारा लग्नेश से देखा जाता है। तो 12वें और लग्न का स्वामी अगर है, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे पास अभी एक बहुत अच्छा समय है कि हम ये देखें कि हम किन चीजों से हमें फायदा होता है और किन चीजों से हमें फायदा नहीं होता है, कौन ऐसे लोग हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं ना,
और कौन ऐसे लोग हैं जिनको मिलने से हम नीचे जाते हैं, कौन है वो लोग? तो उन लोगों से हमें सावधान रहना है ना, जो हमें प्रेरणा देते हैं आगे जाने के लिए, हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और जो लोग हमें हमें नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, हमें ये बताते हैं कि हम ठीक नहीं है, हम अच्छे नहीं है, हम पर्याप्त नहीं है ना, एक गुरु हमें बता रहा है तो वो अलग चीज है, लेकिन कुछ लोग हमारा अपमान करते हैं वैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जो जिसको जिसके वजह से हम अपना पूरी तरीके से हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं हम अपने साथ। तो अर्थात मान लीजिए आपके कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं ना, जैसा मांस खाना या शराब पीना या जुआ वगैरह खेलना, तो ऐसी आदतें अगर आपके में है तो इन आदतों को सुधारिए, क्योंकि ये आदतें आपके लिए शुभ नहीं है और ये आपके आध्यात्मिक स्तर में ये आपको पतन कर सकता है ना। तो अगर आप इनको सुधारते हैं तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देगा आपके लिए। और छठा घर जो है आपके स्वास्थ्य का भी है, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक चीज है उसको मत खाइए, खाते भी तो लिमिट में खाया करिए उसको, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा नौवें घर पे दृष्टि है शनि महाराज की, तो नौवें घर पे जब बारहवें घर का स्वामी होकर जब नौवें पे दृष्टि डालता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो अगर आप इस समय कोई धार्मिक स्थल से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी धर्म का हो चाहे, तो आप उन यात्राओं पे जा सकते हैं। आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं ना, या आप मक्का जा सकते हैं, या आप जेरूसलम जा सकते हैं, या आप वेटिकन सिटी जा सकते हैं, और जाके वहां पे आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अपने जिंदगी को सुधारूं, कैसे बेहतर करूं, जो चीजें मुझे व्यय दे रहा है, क्योंकि ये गोचर बारहवें घर में हो रहा है जो व्यय का स्थान है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है ना, तो उन चीजों को आप भगवान से प्रार्थना करिए कि उन चीजों से मुझे दूर रखे, उन चीजों से मैं बाहर आ पाऊं ना। और फिर ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद रहेगा आप पे, क्योंकि आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा घर का भी संबंध बन रहा है, इससे दूसरे घर पे दृष्टि है शनि महाराज का, तो इसीलिए अभी आपको ये देखना है कि मैं अपना अपने घर में जो दूसरा घर कुटुंब का है, मैं कुटुंब में कैसे थोड़ा फोकस कर सकता हूँ, मैं कैसे उसमें ध्यान दे सकता हूँ ना। अगर किसी वजह से आपका कुटुंब में ज्यादा नुकसान हो रहा है ना धन राशि की, तो ये आप उसको सुलझाइए कि क्यों इतना नुकसान हो रहा है, क्यों इतना पैसा मेरा ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है ना। और अगर आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है ना, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज पे आप अपना परिश्रम कर सकते हैं, तो उससे आपको और धनराशि मिलेगी। ठीक है, तो ये गोचर आपके लिए अगर आप थोड़ा ज्यादा धार्मिक हो जाए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ आप ज्यादा जाए, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा ये गोचर। और इसके अलावा आप अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि लग्नेश भी है शनि महाराज, तो सेहत का ख्याल रखिए, तो व्यायाम वगैरह किया कीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, तो ऐसी चीजें जब आप करेंगे तो आपका मन ठीक रहेगा। और कहते हैं ना, जब मन जीता जग जीता, तो अगर आप अपने मन को जीत लेते तो पूरी दुनिया आपकी, ऐसा मान सकते आप। तो अच्छे से रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ज्यादा इधर उधर फालतू लोगों से मत घूमिए, फालतू चीजें मत करिए, तो ये गोचर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अभी आखिर में आते हैं पाइसिस लग्न पे, पाइसिस मून साइन मीन राशि, मीन लग्न के लिए शनि महाराज का गोचर हो रहा है ग्यारहवें घर में, और आपके ग्यारहवें और बारहवें घर का स्वामी है शनि महाराज, और इसके अलावा आपके पांचवें आठवें और लग्न पे दृष्टि है शनि महाराज की। तो ग्यारहवां घर तो आपको मालूम ही क्या है, वो लाभ स्थान है, लाभ भाव है, वो बहुत ही शुभ है, सबसे शुभ स्थान है ग्यारहवां स्थान।
और शनि महाराज जैसे ग्रह का जब 3 साल तक गोचर होता है ऐसे स्थान में तो अत्यंत शुभ होता है ये। तो ये वो समय है कि आप देखे कि आपके जीवन में आपको और लाभ कैसे हो सकता है, क्योंकि 11वां घर सभी चीजों के लिए अच्छा है। तो आप किसी भी चीज में आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप विवाह का योग आपके लिए बनता है, क्योंकि 2वां, 7वां, 11वां जो है विवाह का घर होता है। फिर अगर आप शादीशुदा है और आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है तो उसको सुधारिए। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा है और आपके पास संतान नहीं है और आप चाहते कि संतान उत्पत्ति हो तो ये बढ़िया टाइम है ये कोशिश करने के लिए कि संतान हो आपकी। इसके अलावा अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और अगर 4थे घर की दशा आपकी चल रही है और शुक्र संबंध बना रहा है तो वाहन खरीद सकते हैं आप, और घर भी खरीद सकते हैं अगर शनि मंगल की दशा चल रही है और 4थे घर का स्वामी संबंध बना रहा है उससे। और क्योंकि 11वां घर पर प्रतिष्ठा लाभ ऐसी चीजों का होता है तो आपका संग बताता है आप किन लोगों से उठते बैठते हैं ना, तो अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, बुरे लोगों का संग का त्याग कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप बुरे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपका व्यय बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शनि यहाँ 12वें घर का भी स्वामी है ये मत भूलिएगा। तो द्वादश का स्वामी होने के वजह से अगर आप अच्छी चीजें नहीं करेंगे तो आपको व्यय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप फालतू चीजें करेंगे ना, इधर उधर किसी से भी मिलेंगे जो आपको गलत गलत चीजों को करने के लिए आपको प्रेरणा दे, तो ये एकादश का जो गोचर है ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। और अगर आप अच्छे लोगों से मिलेंगे ना तो ही ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। तो 11वां घर जो है वो बहुत ही कलयुग में सबसे ताकतवर घर इसको माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि आपके दोस्त कैसे है ना, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और 5वें घर पे दृष्टि है तो अगर आप जैसे मैंने पहले ही बताया संतान उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ा समय है, बहुत अच्छा समय है ये। और ऐसा हो सकता है कि आपको आप किसी से प्रेम करने लग जाए, क्योंकि 5वां घर 11वें घर से जब संबंध बनाता है तो ऐसी चीजें देखा है हमने होते हुए। और इसके अलावा 8वां घर भी संबंध बना रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जैसा जमीन जायदाद कोई मिले आपके ना, आपके पिता या आपके माता से या नाना नानी दादा दादी से ना, विरासत में कोई चीज आपको मिले ऐसा हो सकता है। और दूसरे लोगों के संपत्ति से भी आप अपने व्यवसाय को और भी बढ़ा सकते हैं ना। आप अगर शादीशुदा है तो आप अपने पति या पत्नी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हैं ना, उनके साथ भी आप कोई नया व्यवसाय खोल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आखिर में अंत में शनि महाराज का लगन पे दृष्टि है तो ये भी बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। तो लगन पे दृष्टि है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीजें करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, कभी दौड़ लगा लीजिए, कभी पैदल चल लीजिए, तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी साबित होंगी। और पॉजिटिव चीजें सुनिए ना, अच्छी चीजें, मोटिवेशनल चीजें सुनिए, धर्म आध्यात्म की चीजें सुनिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये गोचर बहुत ही शुभ होगा आपके लिए।